अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज वकार यूनिस। आज मैं आपको बायो का एक लेक्चर जिसका नाम है द एयर पैसेज, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि हवा किस तरह से हमारे जिस्म के अंदर किस तरह से दाखिल होती है और कौन कौन से पार्ट से गुजरकर हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो हमारे पास पोर्शन होते हैं वो होते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स होते हैं ये नथने जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, ये इनके पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स होता है जिसकी मदद से हवा हमारे जिस्म के अंदर एंटर होती है। जहां से एंट्रेंस पॉइंट होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास नॉस्ट्रिल्स। ठीक हो गया। अब नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं ये दो ओपनिंग होते हैं हमारे पास। अब ये दो ओपनिंग जिस चीज के अंदर ओपन हो रही है वो होता है हमारे पास नेजल कैविटी। क्या होता है? नेजल कैविटी। इनके नेजल कैविटी वो जगह होती है, वो इनके स्पेस होती है जहां जो नॉस्ट्रिल्स की मदद से अंदर ओपन होती है। ठीक हो गया। अब ये जो नेजल कैविटी होती है जो कि अंदर हमारे पास स्पेस होती है, अंदर अंदरूनी तरफ जो स्पेस होती है, अब उसमें दो चीजें पाई जाती है, एक होता है हमारे पास हेयर्स, दूसरा होता है हमारे पास म्यूकस। अब इन दोनों का काम क्या होता है, हमारे पास फंक्शन क्या होता है? जो हेयर्स होते हैं इनका काम ये होता है कि जो हवा हम अंदर लेकर जा रहे होते हैं इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, ये हेयर्स होते हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को कैच कर लेते हैं और साफ करके हवा को हमारे जिस्म के अंदर भेज देते हैं। और ये जो म्यूकस होता है, म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस जो होता है हवा को नमी देता है। फर्ज के हमारे जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो हवा जो अंदर से बाहर की तरफ जा रही होती है, या म्यूकस का काम यही होता है कि हवा के टेम्परेचर को मेंटेन करके 37 तक ले आकर हमारे जिस्म के अंदर एंटर करना होता है। हेयर्स होते हैं हवा में नमी को इनके साफ करते हैं, और जो म्यूकस होते हैं वो हमारे टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं वो होता है फेरेंस, यानी कि नेजल कैविटी जिस चीज में ओपन हो रही होती है वो होता है हमारे पास फेरेंस। फेरेंस क्या होता है? फेरेंस एक मस्कुलर रास्ता होता है, इसके अंदर इनके हमारे पास दो चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी? ग्लॉटिस और दूसरा होता है एपिग्लॉटिस। फेरेंस जो होती है इनके उसके साथ एक ओपनिंग होती है, ये ग्लॉटिस को हम किसका नाम देते हैं? ग्लॉटिस का नाम देते हैं। ग्लॉटिस एक ऐसी ओपनिंग होती है जो फेरेंस के बाद इनकी ओपनिंग होती है ग्लॉटिस। अब ये जो ग्लॉटिस होती है, फर्ज किया ये जो ग्लॉटिस होती है ये एक ओपनिंग होती है। अब इस ओपनिंग के इर्द गिर्द क्या होते हैं? मसल्स बने होते हैं, मसल्स ने कवर किया होता है, और उन मसल्स को क्या नाम देते हैं? हम एपिग्लॉटिस का नाम देते हैं। अब फर्ज के ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के बाहर क्यों लगी होती है? ताकि उसको फ्रिक्शन से बचाए। उसकी जो ओपनिंग होती है उसके बाद मसल्स लगे होते हैं ताकि उसकी मूवमेंट जो हो उसको फ्रिक्शन से बचाए रखे, वो टूट ना जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लैरिंग्स। लैरिंग्स होता है जो फेरिंग्स का अगला जो पोर्शन होता है, उसके बाद यानी कि क्या आ जाता है? लैरिंग्स आ जाता है। लैरिंग्स में मेन चीज क्या होती है? इसमें वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वोकल कार्ड्स। अब वोकल कार्ड्स का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये जी आवाज पैदा करते हैं, आवाज पैदा करते हैं। ये किस तरह से आवाज पैदा करते हैं? फर्ज के हमारे पास यानी कि इस तरह से दो वोकल कार्ड्स होते हैं, ये यानी कि जब हवा यहां से पास करती है तो ये इस तरह से थरथराते हैं, कांपते हैं, तो इनके थरथराने कांपने की वजह से क्या पैदा होती है? आवाज पैदा होती है। ठीक हो गया। लैरिंग्स के बाद हमारे पास आपको ये इनके ये लंबी सी एक नाली नजर आ रही है जिसको हम किसका नाम दिया? ट्रैकिया का नाम दिया। अब ये जो नाली होती है इसके अंदर इस तरह से सी नुमा रिंग पाए जाते हैं बहुत सारे। ट्रैकिया के अंदर क्या पाए जाते हैं? इस तरह रिंग्स पाए जाते हैं। सी जिस तरह होते हैं एबीसी के अंदर सी होता है, उसी तरह के क्या पाए जाते हैं? रिंग्स पाए जाते हैं। अब इन रिंग्स का काम क्या होता है? रिंग्स का काम ये होता है कि फर्ज के ये एक ट्रैकिया की नाली है और ये दूसरी ट्रैकिया की नाली है। अब इन दोनों नालियों के दरमियान में ये क्या पाए जाते हैं? रिंग्स पाए जाते हैं जो सी ने इनके होते हैं इस तरह। अब ये इनके फर्ज के मेरे दोनों हाथों के दरमियान ये जो पॉइंटर है अब ये मेरे दोनों हाथों को मिलने नहीं दे रहा। ठीक हो गया। सेम इसी तरह इन दोनों नालियों के दरमियान जो रिंग्स होते हैं दोनों नालियों को आपस में मिलने नहीं देते। अगर ये दोनों नाले मिल जाएगी फिर तो हवा का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी वजह से ये जो इनके सीनुमा रिंग्स होते हैं ये इनको आपस में नालियों को आपस में मिलने नहीं देते, जो कि किसके अंदर पाए जाते हैं? ट्रैकिया के अंदर पाए जाते हैं। अब जब एक नाली होती है हमारे पास वो होती है ट्रैकिया, जब लंग्स के अंदर जाकर ये दो में डिवाइड हो जाती है तब इसको किसका नाम देते हैं? ब्रोंकाई का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ब्रोंकाई का नाम देते हैं। अब ब्रोंकाई जो होती है वो हमारे इनके जो लंग्स होते हैं जो कि पेयर ऑफ लंग्स होता है, अब वो ब्रोंकाई जो होती है लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है और मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तब उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं? हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। जब दो ब्रांचेस होते हैं तो ब्रोंकाई होती है, जब बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती है तब हम उनको किसका नाम देते हैं? ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। अब क्या होता है जी, ब्रोंक्यूल्स होते हैं मजीद छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाती है, उनको हम किसका नाम देते हैं? एल्वियोलर डक्ट्स का नाम देते हैं। अब एल्वियोलर डक्ट्स जो होते हैं लास्ट में जाकर एक गेंद नुमा गुब्बारे नुमा जो हिस्सा होता है जिसको हम एल्वियोलाई का नाम होता है उसके अंदर जाकर ओपन हो जाती है। अब जैसे ही हवा पास आउट होती है नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स,
इन तमाम से एयर जैसे पास होती रहती है, एंड में क्या होता है, एंड में ये जो हमारे पास एल्वियोल आई होती है जो कि गेंदनुमा हिस्से हैं, इसमें हवा जाकर क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है और उसमें जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक हो गया। अब ये वाला जो हमारा पोर्शन है लंग्स के अंदर वाला, इस यहां पर इनकी जो आर्टरीज पाई जाती है, और आर्टरीज पाई जाती है वो क्या करती है, वो हमारे हर्ट से डीऑक्सीजनेटेड, एक ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड जो होता है उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। अब जो हार्ट से हमारे पास ब्लड आता है पहले किसकी मदद से, आर्टरी की मदद से, तो वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इनकी हमारा ब्लड आ जाता है तो इनके जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। अब ये वाली ऑक्सीजन इस ब्लड के साथ शामिल हो जाती है तो वो लंग्स में जो ब्लड होता है वो वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लंग्स में जाता है, वहां पर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। अब वो ऑक्सीजन जो ब्लड के साथ मिल जाएगी तब वो ब्लड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। मतलब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लंग्स से वो हवा लेता है और क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड, दोबारा कहां चला जाता है, वो हार्ट के अंदर चला जाता है। तो सेम प्रोसेस ये चल रहता है, तो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता रहता है और इस तरह की इसकी सर्कुलेशन चलती रहती है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था एयर पैसेज, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर इनके मुझसे शेयर करें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। नेक्स्ट टॉपिक इनके इंशाल्लाह दिया जाएगा, तब तक के लिए अल्लाह।